We will be now revising the topic of nutrition in animals and that especially in humans. ठीक है, so nutrition in humans. Animals में हमने कल पढ़ा था about the amoeba and humans में हमने कल पढ़ लिया था कि इसमें कौन कौन से organs में कौन कौन से various जो changes हैं वो आते हैं. ठीक है, digestion related changes जो हैं वो आते हैं. ठीक है, अब हमने उसी प्रोसेस को ऑफ इंजेशन डाइजेशन जो हमने स्टेप्स किए हैं उन्हीं को इन डिटेल्स पढ़ना है अबाउट दैट हाउ दोज प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन. राइट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आप लोग कर चुके हो. आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर डायग्राम हियर बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस टाइम. ठीक है, यू विल बी ओनली लेबलिंग द पार्ट्स, यू विल बी ओनली करेक्टिंग द पार्ट्स इफ लेबल्ड, देन यू विल बी आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स फंक्शन कुछ ऐसे करके आपको एमसीक्यूज में वो आते रहेंगे. ठीक है, आपके जो एमसीक्यूज होंगे बच्चे वो इस तरह से आएंगे डायग्राम बेस्ड. ठीक है, सो डायग्राम हम लोग नहीं बना रहे हैं, जस्ट हम लोग उसका थ्योरी पोर्शन जो है वो कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन वाज दैट ऑफ इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन? दैट इज टू टेक इन द फूड. टेकिंग इन द फूड इज विद द हेल्प ऑफ द माउथ. दैट इज द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द इंजेशन इज द माउथ. माउथ के अंदर कौन कौन से वेरियस अदर पार्ट्स हैं? टीथ, टंग. Teeth is there. How many types of teeth are there? Four types of teeth. How many set of teeth are there? Set. Two sets. What are the two sets? What are the two sets called as? Types are four and sets are two. Kya hai batao? What are the two sets of teeth? Temporary and permanent. Milk teeth and permanent teeth. मिल्क टीथ को बोलते हैं टेम्परेरी टीथ एंड देन सेकेंड आर द परमानेंट टीथ. एंड व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ टीथ? इंसाइजर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. सो इन अ सीरियल ऑर्डर इट इज इंसाइजर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स एंड लास्टली मोलर्स. हाउ मेनी इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर्स आर देयर? दिस इज प्री मोलर्स एंड मोलर्स का काउंट याद करने के लिए हमारे पास होता है एक डेंटल फॉर्मूला. ठीक है, वॉट इज दैट डेंटल फॉर्मूला? दिस इज डेंटल फॉर्मूला. इट इज 2-1-2-3 by 2-1-2-3. जब आपकी ऑरल हाइजीन चेक करी जाती है तब भी डेंटिस्ट ऐसे लिखते हैं आपकी रिपोर्ट में. दे राइट 2-1-2-3 by 2-1-2-3. वट इज दिस 2-1-2-3? दिस इज एक्चुअली द टू ऑफ द जॉज. ये इस तरह से अपर जॉ, लोअर जॉ टीथ का. ठीक है, उनका हाफ. अब हाफ में आप देखें टू ऑन वन साइड दैट आर द फर्स्ट इंसाइजर्स, वन केनाइन, देन टू प्री मोलर्स एंड देन लास्ट थ्री मोलर्स. समझ आया? ये पूरा जॉ है, अपर लोअर, अपर और लोअर जॉज के हाफ ऑफ कर दो. ये ऊपर जो लिखा है मैंने लाइन के ऊपर लिखा है दिस इज 2-1-2-3. ये अपर जॉ में 2-1-2-3 इस तरह से आएगा फ्रॉम सेंटर टू द टर्मिनल पोजिशन. ठीक है, ऐसे ही लोअर वाले में जाएगा. टू क्या है? सबसे पहले इंसाइजर्स, देन केनाइंस, वन, देन टू प्री मोलर्स एंड थ्री मोलर्स. थ्री मोलर्स में एक हमारे पास विजडम टूथ है. ठीक है, वो हो या ना हो दैट इज ओके. राइट, अब अगर ये 2-1-2-3 हमारे पूरे अच्छे से दांत आए हुए हैं और अच्छे से वी आर हैविंग अ हेल्दी डेंटल हाइजीन देन. ठीक है, कई बार क्या होता है बिकॉज आजकल में क्या है कैल्शियम वगैरह का इंटेक कम होता है बच्चों का, तो वो क्या है ओवरलैप्ड टीथ आ जाते हैं, है ना. ओवरलैपिंग की वजह से एक आधा रिमूव करना पड़ता है. सो दैट इफेक्ट्स योर डेंटल हाइजीन. ठीक है, डेंटल प्रॉपर्टीज को वो इफेक्ट करेगा. समझ आया? ठीक है, सो हाउ मेनी इंसाइजर्स इन वन जॉ? वन जॉ फोर. यस, क्योंकि दो इस तरफ है. ठीक है, सिमेट्रिकल है ना. तो हाउ मेनी केनाइंस इन वन जॉ? टू. वन ऑन ईच साइड, वन एंड वन. देन उसके बाद हाउ मेनी प्री मोलर्स? फोर. टू वन टू एंड लास्टली आर हाउ मेनी मोलर्स? दैट आर सिक्स, थ्री. सो 2-1-2-3, 2-1-2-3 ऑन द हाफ. ठीक है, और यू कैन राइट इट एज फॉर अ वन फुल यू कैन राइट एज 4-2-4-6. ठीक है, पूरे के लिए अगर लिखना है तो 4-2-4-6 भी लिख सकते हैं. 4-2-4-6. ठीक है, नहीं तो वैसे हम लोग इसको हाफ फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज द डेंटल फॉर्मूला. डेंटिस्ट यही फॉर्म में लिखते हैं 2-1-2-3. ठीक है, दे डोंट राइट इट फॉर वन फुल जॉ. ओके, हाँ जी, क्लियर. सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला.
डेंटल फॉर्मूला खैर आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे एक नंबर ऑफ टीथ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कनाइंस डू यू हैव इन योर अपर जॉ और इन द लोअर जॉ और इन ईच जॉ और टोटल ऑफ कनाइंस इन योर माउथ, ऐसा टोटल 4, ठीक है, वन नेक्स्ट टू ईच ऑफ द पेयर ऑफ इंसाइजर्स, ठीक है। कैनाइंस आर द पॉइंटिंग टीथ ऑल्सो, पॉइंटिंग सुआ बोलते हैं जिसको, सुए बोलते हैं ना सुआ, ठीक है, दैट इज द पॉइंटिंग टीथ, दैट इज फॉर द टेयरिंग ऑफ द फ्लैश लाइक मटीरियल, जिनको बहुत हार्ड होता है टू टेयर, ठीक है। सो दोज आर द 4 टाइप्स ऑफ द टीथ, राइट। देन द 2 सेट ऑफ टीथ, 2 सेट में कौन से हैं, मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने होते हैं टोटल, हाउ मेनी परमानेंट टीथ, 32, एंड हाउ मेनी मिल्क टीथ डू वी हैव, अ टोटल ऑफ 20 मिल्क टीथ, ओके। सो मिल्क टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं इन टोटल, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द टीथ। हां जी, क्या जी, नहीं उससे कम हो सकता ना, ये विजडम टूथ नहीं होता है, काफी उम्र, ठीक है। सो दैट इज वेरी, दैट इज वेरी, विजडम टूथ तो ओल्ड एजर्स तक भी जाते जाते किसी किसी में आता है, और चारों भी नहीं आते, कई बार वो एक आधा ही आता है, अगर आए काफियों में तो आते ही नहीं है। हाँ हाँ, विजडम टूथ, ठीक है। हाँ जी, देन इज ये हो गया अबाउट द टीथ। नाउ फंक्शंस आपको क्लियर है इनके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टीथ। हाँ जी, व्हाट आर द फंक्शंस, दे आर यूज फॉर कटिंग, च्यूइंग, टेयरिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, ये सब चीजें, ठीक है। ग्राइंडिंग क्रशिंग का काम प्रीमोलर मोलर करते हैं, कटिंग का काम कौन करते हैं, कटिंग एंड टेयरिंग का कैनाइन, एंड च्यूइंग एंड जस्ट बाइटिंग ऑफ द फूड दैट इज बाय द इंसाइजर्स। योर फ्रंट 4 ब्रॉड टीथ, ठीक है, दे आर द incisors, clear, got it. So this was about the teeth. Coming to the second, that is the tongue. Tongue can sense the taste of 4 types. What are the 4 types of the taste? Sour, sweet, bitter, and salty. So these are the 4 taste, that is sweet and salty, sour and bitter. ठीक है, sour is khatta, bitter is kadwa, meetha, sweet and salty, namkeen is the salty. ठीक है, so 4 types of the tastes that tongue can provide us the taste, that is of the 4 types, right? And then there is the tongue that is basically helping in tasting of these food materials in the 4 different tastes. That is with the help of the special structures associated with the tongue called as taste buds. The taste buds are involved in providing these tastes to us. ठीक है, हमें ये जो टेस्ट मिल रहे हैं ये कैसे मिल रहे हैं, किस वजह से मिलते हैं, टेस्ट बड्स की वजह से, ठीक है। सो जब भी आप लोगों का सुबह का ब्रशिंग रूटीन होता है, तो डॉक्टर्स अगर आप अपने डेली मतलब डेली नहीं सॉरी रूटीनली अगर आप चेकअप करवाते हैं, तो आपके डेंटिस्ट लोग आपको जरूर रिकमेंड करेंगे टू क्लीन योर टंग एज वेल, ठीक है। ब्रशिंग ऑफ द टीथ फ्रॉम ऑल द साइड्स, दे विल गिव यू द प्रैक्टिस ऑफ, प्रॉपर प्रैक्टिस दिया जाता है कि किस तरफ कितना कितना टाइम लगा के आपको क्लीनिंग करना होता है, दैट इज द टीथ का केयर। बट अलॉन्ग विद इट दे ऑलवेज से दैट इज विद द हेल्प ऑफ द टंग क्लीनर्स यू शुड क्लीन योर टंग। व्हाई टू क्लीन द टंग, दैट इज इट प्रोवाइड्स अ यू कैन से टेस्ट बड्स को क्लीनिंग कर देता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि अगर टंग गंदा रहता रहे तो हो सकता है टेस्ट बट जो है आपके बहुत एक्टिवली नहीं काम करें, एंड यू विल नॉट बी सेंसिंग आउट द प्रॉपर टेस्ट देन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द ऑरल हाइजीन में आता है। ऑरल हाइजीन मीन्स आपके माउथ की हाइजीनिक कंडीशन। सो दैट इज द टंग। टंग के फंक्शन क्या है, कल हमने डिस्कस किया था। बेसिक रोल इज दैट इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेस्टिकेशन? यस, मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा। Now, in case you get to have a question with the functions of the tongue with respect to the digestion, ठीक है, ऐसा आपको question आता है, which of the following is not the function of the tongue with respect to the digestion? तो उसमें कहीं पे speech भी लिखा है। अब बच्चे क्या करेंगे? You are not concernedly, you are reading this whole question that you have to provide the function only in concern to the digestive system. You will be marking out speech, है ना? Speech आप लोगों ने mark, sorry आपको लगेगा कि speech भी तो एक function है। स्पीच में हेल्प करती है, ऑब्वियसली हेल्प करती है, हमारी टंग हेल्प करती है ना। तो आप लोग सोचोगे कि इसमें से अब आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन में उन्होंने दिया क्या है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द टंग बट नॉट इन डाइजेशन। समझ आया? तो आप लोगों को क्वेश्चन रीड, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा,
only then you will be capable of giving the answers properly. ठीक है, but the questions MCQs सुनने में सोचने में बहुत आसान लग रहा है हमें कि ये MCQs ही होने वाले हैं and that will be like बस ऐसे ऐसे हो जाने फटाफट. ये सॉफ्ट के questions नहीं होंगे. As per the CBSE guidelines, there are variety of the types of questions. Variety of the types of questions that we have to frame, right? So this is not going to be an easy task. ठीक है, जो हमें फ्रेमिंग करनी है वो भी प्लस आप लोगों को जब पेपर अटेम्प्ट करना है आपका जो क्वेश्चन है वर्ड आंसर जो है वो वन वर्ड है, आंसर वन वर्ड में है, दैट इज ABCD, आपको उसमें से ढूंढना है. लेकिन क्वेश्चन आपका पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, उसको समझने में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है ये समझने में टाइम लगेगा. सो डोंट बी इन हरी फॉर दैट. वेन एवर यू आर सेटिंग फॉर एग्जाम यू विल बी डेफिनेटली स्पेंडिंग सम टाइम इन MCQs एंड देन ओनली यू विल बी गिविंग गुड मार्क्स. ठीक है, अगर आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट रीडिंग वन लाइन एंड डूइंग द आंसर दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, सो प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस जो है इसके लिए चाहिए. सो फर्स्ट रोल इज दैट इज इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फूड. और कोई रोल है इसका? हाँ जी, टेस्ट करता है, दैट इज इट प्रोवाइड्स अ टेस्ट ऑफ द फूड. हाँ जी, टेस्ट ऑफ फूड. हाँ जी, टेस्ट ऑफ फूड डाइजेशन में नहीं आएगा बट दैट इज ऑल्सो न्यूट्रिशन ओनली ना. इट इज न्यूट्रिशन, फूड वी आर कंसर्न विद द फूड ओनली. इफ वी आर नॉट गेटिंग द टेस्ट ऑफ द फूड देन दिस इज यूजलेस टू ईट. जस्ट इमेजिन किसी बंदे को टेस्ट ही ना आता और आप खा रहे हो, देन व्हाट यू आर ईटिंग है ना, यू आर जस्ट च्यूइंग द रबर टाइप ऑफ द थिंग है ना. तो खाने में जब टेस्ट ही ना आएगा तो खाओगे क्या है ना. वो तो कोई महान बच्चे होंगे ना जो बिना टेस्ट के भी खाते रहते होंगे. ओके, और कुछ वो करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में. हाँ जी, कोई और फंक्शन है इसका? दैट्स इट, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज, हाँ जी, वो एरियाज होते हैं, वो रीजंस होते हैं, दैट इज नॉट देयर फॉर यू. ठीक है, वैसे टंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, दैट इज द स्वीट होता है, फिर बिल्कुल एंडिंग में बिटर होता है और सॉल्टी और वो वाले बीच में होते हैं, सॉर वाले. ठीक है, एंड सॉल्टी इज ऑन द साइड, सॉल्टी इज ऑन द साइड ऑफ द टंग and sour is in the middle. ठीक है, वैसे ऐसा है but otherwise it is not required. Okay, then is, हाँ वो that is only the taste buds ही होता है ना, वो हमारे एकदम से मतलब senseless हो जाते हैं because we are providing them the heat. तो हमारे जो thermoreceptors लगे हैं हमारी skin के साथ हमारे organs के साथ वो activate हो जाते हैं. जब वो एकदम से activate हो गए तो इनका function snub हो जाता है. उस time पे आप कुछ भी खाते हो पर taste भी नहीं आता है ना, तो इनका एक्शन कम हो जाता है. हाँ, दैट इज क्योंकि वो मतलब एक तरह से इन्फ्लेमेट हो जाते हैं ना, फूल जाते हैं, सूज जाते हैं. ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनल रिएक्शंस. आप इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज में कितनी जल्दी से ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हो, हाँ कितनी जल्दी वो इम्यूनिटी से आपकी कितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पहली चीज आपकी कितनी ज्यादा से जल्दी रिकवरी होती है किसी चीज का रिएक्शन होने के बाद. So that depends upon your bodies. ठीक है, हाँ जी, then is after this first हमारा हो गया teeth, हो गया first part in the mouth, second is the tongue and the third is the buccal cavity or the buccal cavity. अच्छा, teeth के concern में यहाँ पे एक और topic है, that is of dental caries. पढ़ा है अपने NCERT में, there is in the yellow box dental caries is given. Have you read it? That is the knowledge about the dental cavities. Cavities कैसे होती हैं? Simple concept, वैसे आप इसको read करना thoroughly. एक concept है कि simply क्या है, हम लोग ने खाना खाया, ठीक है, like at night specially, जब हमारा mouth जो है वो बोलता बोलने में नहीं लग रहा है, ठीक है, we are not opening our mouth and the air is not passing in and out, ठीक है, salivary secretion is also not at that time. रात के समय में because food नहीं है हमारे mouth में, तो हमारे रात के समय में क्या होता है, हमारे organs जो है they are also at the resting phase, है ना? So there is no salivary secretions in the mouth as well. उस time पे क्या है कि आपका saliva के अंदर salivary glands करते हैं, एक enzyme होता है lysozyme. Lysozyme क्या करता है? That kills the bacteria. ठीक है? जैसे अभी सुबह में आप बोल रहे हो, air अंदर जा रहा है, तो उसने lysozyme का action आ रहा है, that is, it is killing the bacteria, right? So, लिख लो इसको, है ना? Lysozyme is the another enzyme. Which is, हाँ जी, हाँ, salivary amylase, salivary glands जो हैं, they are also associated with the mouth and they are providing two secretions, one in the form of salivary amylase, that is an enzyme,
ऑल्सो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करती है, किलिंग एक्शन है इसका, किलिंग एक्शन ऑन द बैक्टीरिया, सो दिस हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरिया, गॉट इट, सो दिस इज व्हाट, this is what, that is the lysozyme. When you are opening the mouth and you are getting the salivary secretions in your mouth, the bacteria, they are naturally killed by this lysozyme, hai na, hamare andar system aisa bana hua hai, ek to ye bacteria kill ho jate hai lysozyme se, agar koi hamare andar chale bhi jaye, engulf bhi ho jate hai hamare system ke andar chale jate hai, to wo acidic action se jo HCl secrete hota hai stomach ke andar, usse kill ho jayenge, theek hai, kyunki wo bahut corrosive hai, but actual mein रात के समय में, I was explaining you dental caries. रात के समय में क्या है, we are not opening our mouth. That is why the salivary secretions are also not there. There are no saliva there in your mouth. If you have eaten the food before sleeping and you have not brushed it, you have not cleaned it properly, that food is stuck to your teeth. ठीक है, वहां पे क्या रहेगा कि जो bacteria उस समय में आपके mouth में चले गए lysozyme ना होने की वजह से, वो bacteria वहीं पे रहेंगे. They are attacking on that particular food. ठीक है, उनको तो नरिशमेंट चाहिए, वो तो हमारे दांतों को खराब करने नहीं आए थे, बट जैसे वो खाना खाते हैं, दे रिलीज आउट सर्टन ऑफ द केमिकल्स एज वेल, एसिड्स जैसे केमिकल्स जो हैं, वो उनके एक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एज दे आर गेटिंग दैट फूड एंड द केमिकल्स दैट विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दिस एक्शन, दे ऑल गेट्स डिपॉजिटेड ओवर योर टीथ्स इनेमल, टीथ के इनेमल के ऊपर एक येलो कवरिंग की तरह वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, धीरे धीरे, पहले तो हमें दिखता नहीं है ये येलो कवर जो होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें दिखता नहीं है, वी कांट सी दैट, राइट, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, वो येलो कवरिंग और स्ट्रांग होता रहता है, बढ़ता रहता है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द हैबिट ऑफ ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस अ डे और लाइक यू कैन से आफ्टर एवरी मील, ठीक है, जो रिकमेंडेड होता है. ठीक है, सो दिस इज, वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ दैट, राइट, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट येलोनेस इज ब्रॉट अप लाइक इन सच अ थिक लेयर, इतनी बड़ी लेयर फॉर्म में बन जाता है कि वो बहुत कवर कर लेता है और वो इतनी ज्यादा स्टक हो चुकी होती है, जैसे एक रॉकी सब्सटेंस होता है ना, जब वो कंप्रेस होता रहता है ऊपर 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 डिपॉजिट होता जा रहा है, तो वो हार्ड हो गया, तो ऐसा हार्डनेस आ जाता है, नाउ इट कांट बी क्लीन नाउ, एंड इंटरनली दिस इज अगेन प्रोड्यूसिंग आउट सर्टन केमिकल्स लाइक एसिड, जैसे मैंने बोला, तो वो एसिड्स हमारे इनेमल पे एक्शन करना शुरू कर देते, पहले तो इनेमल का ये लेयर है, इनेमल की लेयर के ऊपर ऊपर एक्शन होगा, ऊपर एक कैविटी आया ब्लैक कलर का, सिर्फ इनेमल एक्शन क्या है, इनेमल हमारा खुरता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये अंदर वाली लेयर्स में जाता है, ठीक है, वही वाला एक्शन अंदर जाना शुरू होगा, एंड अल्टीमेटली इट गोज इनसाइड योर टीथ वेयर देयर इज द रूट पार्ट दैट इज योर ब्लड वेसल्स आर देयर. जब ये ब्लड वेसल्स तक रीच कर जाती है हमारी जो कैविटीज होती है, देन हमें वो सेंसेशन वाली वो जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, है ना, सेंसोडाइन की जो ऐड आती है आपकी, है ना, तो वो झंझनाहट वाली, तो दैट इज सिंपल, वो वाला एक्शन जो है हमारा शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज व्हेन इट इज गोइंग डीप इन योर टीथ एंड दिस इज नॉट क्योरेबल. ठीक है, इसका सिर्फ एक ही क्योर है, टू रिमूव द टीथ, राइट. मिल्क टीथ में अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मिल्क टीथ है, क्योंकि बच्चों को बहुत आदत होती है स्वीटेंड प्रोडक्ट्स खाने की, ठीक है, दे लाइक द चॉकलेट्स एंड द टॉफीज एंड एवरीथिंग, तो स्वीटनिंग ज्यादा चीजें खाते हैं, एंड टीथ ब्रशिंग करने में पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है और बच्चों को खुद थोड़ा नॉलेज नहीं है इन चीजों का. ठीक है, तो उनके टीथ जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल कैविटीज के साथ भर जाते हैं, एंड वी से कि ठीक है, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. ठीक है, बट दैट गोज टू द रूट्स, रूट्स तक चले जाती है वो प्रॉब्लम, और अगर वो प्रॉब्लम रूट्स तक चले गई है, मिल्क टीथ झड़ जाएगा, वो ऊपर है वो झड़ जाएगा, लेकिन जब नीचे से परमानेंट निकल के आएगा, वो भी ऐसा ही इफेक्टेड होगा, चांसेस आर देयर. So it is a that big problem, right? But we don't take care of that dental caries. We don't take care of the cavities that we are having. Knowingly, unknowingly, our teeth are getting damaged and we are not taking care of it. So that is the cavities, they are called as the caries. ठीक है, इसको prevent करने के लिए book में आपके सारा लिखा हुआ है. There is some flossing type of thread के साथ जो cleaning करते हैं teeth के बीच में. ठीक है, that is called as flossing. Or we should use the toothpaste which is rich in fluoride. ठीक है, fluoride action that actually kills this bacterial you can say chemicals are basically deactivated in this form. So fluoride presence is must for the cleaning of the proper teeth, right? हाँ जी, that is the hardest substance of your body. Yes.
ओके देन इज सो दिस वाज अबाउट द डेंटल कैरीज. कमिंग टू दिस डेंटल कैरीज एंड कैविटीज दैट्स द सेम थिंग राइट. सो कमिंग टू द ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी दैट इज लाइंड बाय ऑन द बीनीथ बेस दैट इज मेड अप ऑफ द टंग, टंग का बना है ठीक है. देन साइड्स पे क्या है, जॉज है, ऊपर भी जॉज है, उसके साइड्स पे पूरा कवरिंग किसका है, जॉज का है ठीक है. फ्रंटल पोर्शन किससे कवर्ड है, टीथ से, टीथ एंड जॉज अगेन राइट. एंड देन देयर इज अबव, इस जो टंग का बेस है इसके ऊपर इस तरह से रूफ पार्ट है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज दिस रूफी पार्ट इज कॉल्ड एज पैलेट ठीक है. पैलेट, पैलेट जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स फर्दर. व्हाट इज दिस पैलेट मेड अप ऑफ, दिस इज बोनी पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. पैलेट इज अ रूफ, रूफ ऑफ द ब्यूकल कैविटी दैट इज पैलेट. इट इज फर्दर ऑफ टू काइंड्स, बोनी एंड सॉफ्ट. बोनी मीन्स मेड अप ऑफ बोन्स हैविंग हार्ट. If you roll up your tongue, you will feel the bony structure, that is the bony palate. And if you still roll it back to the last of your palate, there is some soft part, very soft. Bone khatam hota, feel bhi hota. ठीक है? और last में बिल्कुल roll करेंगे, तो वहाँ पे softness आपको feel हो गया. और why that is soft, why this palate is soft at the ends, that is because hard है, ताकि food हमारा mouth में रहे, buccal cavity में रहे, और हम उसको अच्छे से chew करें. क्योंकि digestion starts here only. ठीक है, स्टार्ट्स हियर विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी माइल्स. देन टू स्वेलो इट इजीली वी हैव द सॉफ्ट पैलेट. जब ये फूड हमारा, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना आपको कि खाना खाते समय बोलते नहीं होते, है ना, तो क्यों ऐसा मम्मीज बोलती है हमेशा कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर ईटिंग एज वेल एज यू आर टॉकिंग, एयर इज ऑल्सो गोइंग इन एंड आउट. उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हवा की वजह से आपका खाना अगर सॉफ्ट पैलेट वाली जगह चला गया, इट विल बी इनगल्ड बाय इटसेल्फ. ठीक है, वो अंदर अपने आप ही गिर जाएगा, यू विल नॉट बी getting it back into your mouth. ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है unknowingly, very with the, you can say, मतलब एक frequent, एक पटैक से वाला जो चेंज अगर ऐसा आता है, तो उसमें हमारा फूड का एंट्री टू द विंड पाइप भी हो सकता है. इंस्पायर्ड ऑफ द फूड पाइप, विंड पाइप भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वही चीज, हमारा जो विंड पाइप है उसका फ्लैप बंद नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप एयर भी भेज रहे हो बोलने के लिए, फ्लैप खुला है, एयर की वजह से फूड आपका अंदर जा रहा है फूड पाइप में, विंड पाइप भी ओपन है, फूड पाइप भी ओपन है. फूड डज नॉट नो वेयर टू गो, है ना, वो तो आपका एक्शन है कि आप किस तरफ लेके जाते हैं. ठीक है, एंड इफ द फूड दैट एंटर्स इनटू योर विंड पाइप दैट रिजल्ट्स इनटू चॉकिंग एंड इमीडिएट डेथ ऑफ द पर्सन. ठीक है, देयर आर सर्टन केसेस वी हैव हर्ड ऑफ जिनका सिर्फ खाना खाते खाते में ही डेथ हो गया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चॉकिंग ऑफ द विंड पाइप. ठीक है, सो दैट इज वेरी बैड प्रैक्टिस इफ यू पीपल स्पीक व्हाइल टॉकिंग, सॉरी, स्पीक व्हाइल ईटिंग द फूड. ठीक है, so that's it right. So this is palate. Coming to the last, salivary gland. Salivary glands having the salivary amylase. What is the action of the salivary amylase? Digestion of carbohydrates, converting what, starch, that is a complex carbohydrate in the form of starch that is converted into maltose, which is a simple carbohydrate in the presence of salivary amylase, right. So this is the first step of the digestion, that which starts here only. So we can write it as a part of ingestion, fourth part, as well as the first part in the process of digestion. Digestion mein ye first step. Digestion agar aapko aati hai, explain digestion or from where does the digestion starts? It starts from the mouth. ठीक है, यहाँ आपको बोलते हैं place all these in a serial order of the changes of digestion. So serial order of digestion में आपको कोई दे दिया रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट का, कोई प्रोटीन का और कोई फैट्स का. अब वहां पे भी सीरियल ऑर्डर है, ये नहीं आप कहेंगे कि ये तो अलग अलग कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर रहा है, इसका क्या सीरियल ऑर्डर. उनका भी ऑर्डर है, क्योंकि सबसे पहले कौन डाइजेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट. सेकेंड स्टमक में कौन होगा, प्रोटीन. थर्ड लीवर के एक्शन से कौन होगा, फैट्स. समझ आया? ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ऑफ द इंजेशन. गॉट इट? एनी कंफ्यूजन टू एनी वन? Yes. Anybody having any doubt? All clear? Online students? Anji. So we shall continue further. That is the second step of digestion. We have marked it already here. So this is the now first step in the digestion, that is through the salivary glands. Salivary glands mein digestion mein role hai sirf salivary amylase ka, lysozyme ka koi role nahi hai. Theek hai, lysozyme is only to kill the bacteria, no role in digestion, right. So coming to the next is, after this there is a second
अब फूड हमारा जो माउथ में है वो स्टार्च से क्या बन चुका है, माल्टोस, है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बदल गई, सिंपल में चली गई, बदल गई। अब इसके बाद हमारा फूड जाता है इनटू द ईसोफेगस, बट ईसोफेगस डू इट प्ले एनी रोल इन डाइजेशन? नो, देयर इज नो रोल ऑफ ईसोफेगस आर फूड पाइप इन डाइजेशन, रादर इट प्रोवाइड्स ओनली द स्पेशल मूवमेंट्स दैट व्हिच हेल्प्स द फूड टू पास फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। व्हाट आर दोस मूवमेंट्स कॉल्ड एज? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये सिर्फ इतना सा रोल है हमारी ईसोफेगस का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है जिससे ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है एंड द फूड पासेस फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। डन। मसल्स जो होती हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। लाइक इफ दिस इज द फूड पाइप लेट से, ठीक है, तो यहाँ पे पहले कंट्रैक्शन है क्योंकि फूड यहाँ पर है, तब तक के लिए जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक्सपेंडेड है, फूड नीचे आ गया, ठीक है, फिर ये कंट्रैक्ट हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, ऐसे नीचे वाला एक्सपेंडेड है, ठीक है, फिर ये अपना खाना यहाँ पे छोड़ देगा, फिर ये कंट्रैक्ट है, नीचे वाला रिलैक्स, मतलब इट इज द ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द फूड पाइप। ठीक है, दैट इज द मूवमेंट, स्पेशल मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। डेफिनेशन इज सिंपल, ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, यू कैन राइट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स मीन्स द ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इन द ईसोफेगस दैट हेल्प्स द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, दैट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। गॉट इट? So this is a peristaltic movement. Coming to the next, that is a after the salivary glands within the mouth, ये salivary gland में नहीं हो रही है digestion, ये मतलब इतना digestion is taking place in the salivary gland. No, it is taking place in the mouth only, but with the help of salivary glands. ठीक है? Now the second organ involved in this is the stomach. अब food हमारा कहाँ पे पहुँच गया with the peristaltic movement from mouth to stomach? ठीक है, तो स्टमक में आ गया। स्टमक के अंदर अब तीन बहुत बेसिक हमारी सिक्रेशंस हैं और तीनों के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े से रोल हैं। सबसे पहला क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, द गैस्ट्रिक जूसेस विच मेनली कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन, गैस्ट्रिक जूसेस मेनली कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, digesting enzymes like that of pepsin. Got it? Second, it also helps in the secretion of, it provides a secretion of HCl, that is a hydrochloric acid. And thirdly, it provides a secretion in the form of mucus. Okay? What is the role of pepsin first of all? Proteins. The complex proteins, they are digested to the सिंप्लीफाइड प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से क्या बन जाएंगी? सिंपल प्रोटीन, सिंप्लीफाइड प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन बन गई, और दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। हाँ जी, इज दिस अ करेक्ट रिएक्शन आई हैव रिटन? यस, बिकॉज पेप्सिन इज इनएक्टिव अंटिल अनलेस इट इज नॉट गेटिंग द एसिड प्रेजेंस। मीन्स वॉट? पेप्सिन्स एक्शन विल ऑलवेज बी ऑन द एसिडिक फूड। ठीक है, द फूड शुड बी एसिडिक। ये नहीं है कि पेप्सिन के साथ साथ सिर्फ HCl सिक्रीट हो रहा है और फूड के ऊपर एक्शन नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो HCl ने पहले प्रोटीन्स को क्या किया, हमारे फूड को क्या किया, एसिडिक बना दिया। उसके बाद एसिडिक जितनी प्रोटीन्स बन गई थी उनके ऊपर पेप्सिन ने काम किया टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल फॉर्म्स। गॉट इट? HCl से फूड एसिडिक बनेगा ना। ठीक है, देन सेकेंड इज दिस डिल्यूट HCl। व्हाट आर द रोल्स ऑफ दिस डिल्यूट HCl? फर्स्ट इज टू एक्टिवेट द एंजाइम्स लाइक दैट ऑफ पेप्सिन और मेक्स द फूड एसिडिक।
ठीक है। सो ये एसिडिक भी बनाता है, मेक्स द फूड एसिडिक। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस देन? प्रिवेंटिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम कोरोजन, है ना, प्रिवेंटिंग इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम कोरोजन, कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl। और क्या है इसका रोल? इट प्रिवेंट्स द स्टिकिंग ऑफ फूड, क्योंकि अगर स्टिकिंग हो जाती है खाने की तो वहां पे बैक्टीरियल एक्शन होगा, जैसे दांतों पे हुआ था, है ना। सो इट प्रिवेंट्स द स्टिकिंग ऑफ फूड विद द स्टमक वॉल्स, स्टिकिंग ऑफ फूड विद द स्टमक वॉल्स। क्लियर? हाँ जी, डन। सो दीज आर द थ्री सिक्रीशंस ऑफ द स्टमक प्रोवाइडिंग फर्दर द मेजर रोल्स। ठीक है, तीनों के दो दो रोल्स, मेजर रोल्स जो है हमारे पास, दैट आर देयर। डिल्यूट HCl के दो रोल्स, म्यूकस के दोनों रोल्स। ठीक है, और पेप्सिन का रोल क्या है? दैट इज टू कन्वर्ट द कम्प्लेक्स प्रोटीन्स, डाइजेस्ट द कम्प्लेक्स प्रोटीन्स इनटू द सिंपल वंस। सो दिस वाज स्टमक। एंडिंग ऑफ द स्टमक इज द फर्दर स्टार्टिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्ट? एंड लिवर, ड्यूडेनम। यस, इट इज ड्यूडेनम। सो नाउ द फूड एंटर्स इनटू द, क्या हुआ शांतनु जी, क्या बोला? ओके, सो नाउ दिस एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम हमारे वेरियस पार्ट्स एंड वेरियस रोल्स हैं। That is the first part of the small intestine is the duodenum. Now within the duodenum there are secretions of pancreas and liver, or liver and pancreas same ही है, दोनों है, दोनों में कोई फर्क है क्या? है, मैंने दो terms बोली, liver and pancreas, pancreas and liver। किसका secretion आता है duodenum में? है? आता तो दोनों का है, लेकिन एक लिवर एंड पैनक्रियाज, पहले लिवर का आता है फिर पैनक्रियाज का आता है। हाँ हाँ, बाद में आते हैं, पहले लिवर आता है। दिस डक्ट इज कॉल्ड एज हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो इज फ्रॉम द हिपेटिक सिस्टम, हिपेटिक सिस्टम इज व्हाट? लिवर सिस्टम। ओके, सो वील कंटिन्यू फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टुमारो, योर टाइम इज ओवर। And if any questions you have, you can send me the message, right? Thank you so much. God bless you.